नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली के आलोक नगर में हाई टेंशन लाइन का कहर जमकर टूट रहा है। आए दिन तार टूटने से लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। ताजा ही मामला आलोक नगर का सामने आया है, जहां पर एक युवक को अपनी पैर की उंगलियों से हाथ धोना पड़ गया। वहीं बात करें तो एक हाथ भी चोटिल बताया जा रहा है। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित की मां ने बताया, थोड़ा 11,000 के तार के बारे में बताइए। क्या बताएं, उसको हटवाना सही रहेगा, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब देख लीजिए, मेरा बच्चा है, हम लोग तो आर्थिक तंगी से कोरोना में परेशान हैं। आपके बेटे जी हादसे का शिकार हुए हैं। इधर उधर से कुछ व्यवस्था करके उसका इलाज करवा रही हूँ, परेशान हूँ, फिर भी उसका फिंगर कट गया, पढ़ाई नुकसान हो रही है, क्या बताएं। तो आपको आपके अधिकारी को मुकदमा करवाना चाहिए था, करवाया क्यों नहीं? बस वही है। आप क्या मांग करती हैं बरेली बिजली विभाग के अधिकारी और जिम्मेदार? मैं यही मांग करती हूँ, उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि जो मेरे बच्चे के साथ हो, किसी के बच्चे किसी के परिवार के साथ ना हो। एक बार नाम और बता दीजिए। सीमा दुबे। मिथिलेश। कहाँ रहती हैं? आलोक नगर। ये आलोक नगर में आपके मकान के ऊपर तार जा रहा है 11,000 का, क्या हुआ सुबह? सुबह अचानक तार ये टूटा है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर हम लोग परेशान हो गए। तो ये कब से तार जा रहे हैं आपके मकान के ऊपर से? ये तो बहुत दिनों से जा रहे हैं। बहुत सालों से। कभी आप लोगों ने मांग नहीं करी इसको शिफ्टिंग करवाने के लिए तार को? मांग तो बहुत बार करी है, मांग सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हो रही है। बरेली के नेताओं से मिले थे आप? जी, कई बार। नहीं सुनवाई हुई। आज जो तार गिरा 11,000 का, ये जुड़ा नहीं है अभी? नहीं जुड़ा है, हम लोग सुबह से परेशान हैं। तो ये तार जो गिरा है, इससे कोई हताहत हुआ, कोई घायल वगैरह हुआ? एक बच्चे को भी लगा करंट है। आज की हाथ तार टूटने में? नहीं, आज तो नहीं हुआ है, उससे पहले हुआ था। अच्छा, उससे पहले भी हादसे हो चुके हैं तारों से? हाँ, दो बार हो चुके हैं। क्या नाम बताया आपने? मिथिलेश। अच्छा, सरकार से और बरेली के बिजली विभाग के अधिकारियों से क्या मांग करती हैं आप? हमारा तार यहाँ से हटाया जाए। के ऊपर से 11,000 के तार जा रहे हैं, कब से समस्या बनी हुई है? ये शुरू से ही है साहब समस्या। तो ये तो कभी इस पे आप लोगों ने कोई कार्रवाई? जिसे मिले, सांसद जी से मिले, सभी लोग से मिले, लेकिन जो है कोई सुनता नहीं है। कहते हैं कि यहाँ ठीक है, एस्टिमेट बन जाएगा, इसका देख लेंगे। कब से तार जा रहे हैं घरों के ऊपर से? ये हमको तो यहाँ पे करीब 30 साल रहते हो गए। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा नाम है। आज क्या हुआ सुबह? आज सुबह पता नहीं साहब क्या हुआ कि अचानक ये तार जो 6 बजे के आसपास जो है शॉर्ट कर गया तार और नीचे आ गए तार ये। अच्छा, मैं जानकारी में आया इस घर में हादसा भी हो चुका है पहले इसी तार से? कब हुआ था? मुझे लगा था करीब ये आपका होगा 10-12 साल तो होगा। आलू नगर का मामला है जी? जी, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मेरा तो घर उधर है। क्या मामला है 11,000 तार होगा? ये सुबह करीब 6 बजे का बात है, तो इसमें एकदम अचानक से धमाका हुआ, तो तार एकदम टूट गया और लाइन से सबके छतों पर तार रुके हुए हैं, और ये तार इतने नीचे हैं कि हम निकल नहीं सकते। और अगर मान लीजिए तार की लाइन चालू करने के बाद में उन्होंने तार खींच भी दिए, उससे ज़्यादा तब भी खतरा बना हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तार अपनी जैसे रोड पर बाय रोड या अंडरपास हो जाए। ये चाह तार टूटा सुबह? हाँ, जो सुबह तार टूटा, बाय चांस अगर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपने बिजली विभाग के अधिकारी सूचना दी? विभाग से अधिकारी से हमने कहा, तो वो कह रहे हैं हम एस्टिमेट बना के देंगे, आप बिल पास खुद करवाओ या खुद अपने पास। कितने साल पुराना मामला है ये? हो गया करीब सर, करीब 20 साल से होगा, और अभी जो हुआ हादसा सुबह 6 बजे का।